हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ सैलून में प्रोडक्ट यूज़ होने वाले मशीन्स। अगर आपको अच्छा हेयर ड्रेसर बनना है तो आपके पास अच्छे मशीन्स एंड प्रोफेशनल मशीन भी होना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आप लोगों को, वैसे तो बहुत सारे ब्रांड है और मैं सबकी डिटेल बताऊंगी। अगर आपके पास बजट कम है तो आप कौन सा लें, और अगर आपको प्रोफेशनली काम करना है तो आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए, उसकी भी डिटेल्स आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रेटनिंग पे। मेरे पास है आइकॉनिक का, मेरे पास जो स्ट्रेटनिंग है वो है आइकॉनिक का। अब दिख रहा होगा आइकॉनिक प्रोफेशनल प्रो टाइटेनियम शाइन। इसकी जो शाइन प्लेट होती है ये काफ़ी अच्छी है और बहुत ही क्विक और बहुत जल्दी, मतलब आपको आपके बालों को स्ट्रेट करती है। इसको परमानेंट स्ट्रेट अगर करते हैं तो उसमें भी ये बहुत अच्छा है। आइकॉनिक प्रोफेशनल में काफ़ी अच्छा है, मतलब अगर आपको प्रोफेशनली खोलना चाहते हो तो आप आइकॉनिक को ज़रूर वो करें। इसकी जो MRP है वो 7000 रुपीज़ पे थी, बट आपको ये 25% डिस्काउंट अभी नायका में मिल जाएगा। आपको 25% डिस्काउंट में ये मिल जाएगा तो आपको 5200 या 400 समथिंग में आपको ये मिल जाएगा। अगर आपका बजट इतना ज़्यादा नहीं है तो आप चोबा एंड VNG के प्रोडक्ट भी ले सकते हो, जिसकी पिक्स मैंने ये साइड में डाल दी है। तो आप VNG एंड चोबा ये आपको 1000 या 1200 रुपए की रेंज में मिल जाएगा। ये दोनों भी प्रोफेशनल है और बहुत अच्छे हैं। मेरे पास जब ये स्ट्रेटनिंग नहीं था तो मैंने भी चोबा का स्ट्रेटनिंग यूज़ किया है, एंड देन वो मैंने 5 ईयर्स तक चलाया और बहुत ही अच्छा था। एंड देन उससे भी मैंने परमानेंट स्ट्रेटनिंग भी किया है, टेम्परेरी भी किया है, देन बहुत अच्छा है। देन मैं यहाँ पर अगेन ये यूज़ कर रही हूँ, उसके बाद मैंने ये आइकॉनिक का लिया, एंड देन ये भी बहुत, ये तो बेस्ट है। मतलब अगर आपको प्रोफेशनल में जाना है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट, तो आप आइकॉनिक का लो। और अगर आपको, मतलब आपको बजट नहीं है और प्रोफेशनल तो है ही, लेकिन अगर आपका बजट नहीं है तो आप चोबा एंड VNG का यूज़ कर सकते हो, इज़ द बेस्ट। और हाँ, अगर आप फिलिप्स एंड नोवा लेने की बात सोच रहे हैं तो फिलिप एंड नोवा इज नॉट अ प्रोफेशनल, वो प्रोफेशनल नहीं होता है, मतलब वो आप पर्सनल यूज़ पे यूज़ कर सकते हो, नॉट अ प्रोफेशनल। और एक बात आपको बताना चाहूँगी, आप जितने भी प्रोफेशनल मशीन देखेंगे उन सब की जो वायर्स होती है वो काफ़ी लंबी होती है, आपको दिख रहा होगा। इनकी जो, आप इसी से आप पता लगा सकते हो कि ये आपका मशीन प्रोफेशनल है या नहीं है। अगर आपको कभी नहीं समझ में आता है कि ये ब्रांड आपका प्रोफेशनल है या नहीं है, तो आप मशीन के वायर चेक करना, अगर वो बड़ा है मतलब तो आप ज़रूर लेना उसी को, कि देन वो प्रोफेशनल है। अगर उससे भी रिलेटेड आपको कुछ भी पूछना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। एंड देन मैं यहाँ पर लूँगी आइकॉनिक का कर्लर। कर्लर तो सबको पता ही है और आजकल कर्लर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि टेम्प्रेरी स्ट्रेटनिंग तो सब लोग करा लेते हैं, परमानेंट सॉरी, बट कर्लिंग तो क्या ओकेशनली, अभी वेडिंग सीजन भी है तो कर्लिंग का बहुत यूज़ होता है। और ये बहुत ही अच्छा कर्लर है, इसमें मतलब आप अप एंड डाउन, मतलब टेम्परेचर को सेट भी कर सकते हो। और इसकी जो साइज़, ये आइकॉनिक में आपको साइज़ मिलता है CT 16, 6, 19, 22, इस टाइप से आपको 28, 36, 38 इस टाइप के आपको साइज मिलेंगे। तो मेरा ये जो मैंने मीडियम लिया है ये 22 है। अगर आप लोग को इतनी सारी मशीन नहीं ले सकते हो, आपको एक ही मशीन लेना है और जिससे आपका सारा काम हो जाए, तो मेरा सजेस्टेड है कि आप 22 को प्रेफर करो, बिकॉज ये मीडियम है, मतलब आप इससे, मतलब मीडियम कर्ल आप कर सकते हो, ना ज़्यादा पतला होता है ना ज़्यादा मोटा होता है, देन ये बहुत ही अच्छा है। एंड देखो अगेन इसकी वायर्स भी काफ़ी लंबी है। तो मैंने आपको जैसे अभी बताया था कि प्रोफेशनल आपको अगर चाहिए तो वही यही चेक करना कि इसकी वायर आपकी कितनी लंबी है, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा है। तो मेरा जो, अगर प्रोफेशनल में जाओगे तो आइकॉनिक का बेस्ट है। इसकी जो प्राइस है MRP 3500 है, एंड नायका में अभी पिंक फ्राइडे सेल चल रहा था तो मुझे इसमें 25% डिस्काउंट में पड़ा था, 2600 समथिंग में पड़ा है। तो आप, ये इतना कॉस्टली भी नहीं है तो आप इजीली परचेस कर सकते हैं। एंड हाँ, अगर आपको इतना बजट भी नहीं है तो 1000 रुपीज़ के अंदर
आपको चोबा एंड बीएनजी का मिल जाएगा। मैं आपको ये पिक लगा दी है, तो आप इसको भी जरूर परचेस करें, ठीक है। एंड नेक्स्ट है मेरे पास क्रीम्पर। क्रीम्पर का वैसे तो बहुत कम यूज होता है, मतलब अपन डेली इतना यूज तो होता नहीं है, पर इसलिए मैंने ना वीएनजी का यूज किया है। आपको दिख रहा होगा मैंने वीएनजी लिया है, लेकिन मैंने ये लॉस कर गई हूँ। अगर वैसे तो ये बहुत अच्छा है, हाँ ये लॉस नहीं है कि ये खराब है, ये बहुत ही अच्छा है। बट जो आइकॉनिक का मिनी क्रीम्पर है वो उसके एमआरपी है 1500 रुपीज, और आपको डिस्काउंट करके वो 1000 और 1100 आई थिंक सो मिल जाएगा। तो मेरा सजेस्टेड है कि आप आइकॉनिक का मिनी क्रीम्पर लें, वो बहुत ही अच्छा है। वैसे मैंने ये बीएनजी का लिया है और ये आज नहीं लिया, मिनी क्रीम्पर तब ओपन मतलब वो अभी मार्केट में तब आया नहीं था, तो ये मैंने काफ़ी 2-3 साल हो गए, ये 3 से 4 साल हो गए बीएनजी का, बट बहुत कम यूज होता है। लेकिन आपके पास अगर आप सलून ओपन कर रहे हो तो आपके पास क्रीम्पर भी होना ज़रूरी है। तो मैंने तो बीएनजी का लिया है, लेकिन नेक्स्ट आप लोगों से यही सजेशन है कि आप आइकॉनिक का मिनी क्रीम्पर जरूर ले, और वो रेट में भी बहुत ही रिजनेबल और बहुत ही प्यारा है, मतलब उसका दिखने में भी लुक भी अच्छा है एंड उसका रिजल्ट तो इससे बहुत ही ज्यादा अच्छा। मतलब मैं कहूंगी कि अगर उस टाइम अगर वो मार्केट में आ गया होता तो मैं शायद इसे ना लेती, वो आइकॉनिक वाला ही लेती, ठीक है। तो आप क्रीम्पर भी ले सकते हैं। एंड देन आप अब होता है ड्रैग। मेरे पास है एलन ट्रोमर इसका ड्रायर है, ये काफ़ी अच्छा है। इसमें अलग से आपको नोजल्स मिलते हैं जो आप सेट करके ड्राइंग कर सकते हो। इसमें 360 डिग्री के मूवमेंट होता है एंड इसका जो वायर है अगेन काफ़ी लंबा है, तो देन इज अ प्रोफेशनल। और प्रोफेशनल में आप ये देखना कि ये इसका वाट अच्छा हो, इसमें कोल्ड एंड हॉट दोनों एक ही साथ है होना चाहिए। आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा हेवी जरूर फील होगा कि मैं इतना महंगा ले रही हूँ, इतना हेवी है बट यूज़ नहीं कर पाऊँगी, बट आप यूज़ करना काफ़ी अच्छा है। देन मैंने एलन ट्रोमर का लिया था, ये 5 ईयर्स हो गए जब मैंने अपना सैलून स्टार्ट किया है, मैंने इसको तभी लिया था और देन बहुत अच्छा है। देन आपको हेयर स्प्रे की, हेयर अगर आप स्प्रे करते हो तो आपको हेयर स्प्रे की ज़रूरत है, तो मैंने ये बेलिना गोल्ड की लिए है। आप इसमें नोवा भी आता है, वो भी बहुत रिजनेबल और बहुत अच्छा है। मेरे पास पहले नोवा का था, वो ख़त्म हो गया, तो मैंने ये बेलिना का लिया है, ये भी बेस्ट है और अच्छा सेटिंग स्प्रे है। इसकी प्राइस भी आई थिंक 230 रुपीज़ है, आपको इसमें भी डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप इसको लोकल मार्केट से लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। देन आइकॉनिक का अगर आप अपना सलून प्रोफेशनली अच्छे से स्टार्ट करना चाह रहे हो तो मेरा सजेस्टेड है कि आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हो आपको, तो आप प्लीज़ आइकॉनिक पे जाना। बिकॉज ये देखिए मैंने ये कॉम, ये कर्लिंग जो कॉम है ये भी मैंने आइकॉनिक का लिया और मेरा ये 5 ईयर्स हो गया। अगर आप अदर ब्रांड में देखोगे तो ये ब्रशेस क्या होते हैं, जल जाते हैं, ये आप हीट लगते हैं ये ब्रशेस जल जाते हैं, बट मैंने ये आइकॉनिक का 5 ईयर्स हो गया, मेरे ब्रशेस में कुछ भी नहीं हुआ और देन बहुत अच्छा रन कर रहा है, बहुत ही बेस्ट है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि अगर आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो प्लीज़ आइकॉनिक पे जाएं। एंड देन मेरे पास जो सीजर है वो है एलन ट्रोमर का, द बेस्ट सीजर, ये 7 इंचेस की सीजर्स है। और आप प्रोफेशनल है तो आप ये ध्यान रखना कि आपकी जो सीजर्स वो 7 इंच की हो, एंड ये जो प्रोफेशनल सीजर है ये बहुत अच्छा है। आप इस, ये मैंने 1300 में लिया है 5 ईयर्स पहले, और एलन ट्रोमर का है ये भी, दोनों साथ में लिया था, और इतना अच्छा है ना इसको मैंने, अगर आपके जैसे बहुत ज़्यादा हेयर कट कर रहे हैं, कभी आपके इसमें धार खत्म हो जाती है तो आप इसको क्या करो, आप डीप फ्रीज में रख दो एंड देन ये धार हो जाती है, और मतलब वन टाइम यूजिंग है, मतलब 1300 में मैंने लिया, उस टाइम मुझे बहुत पैसे देने में बड़ा वो लग रहा था, बट फिर मैंने जब एक टाइम लिया है और 5 ईयर से कंटिन्यूस इसी को चला रही हूँ, तो अब मुझे ये इतना बेस्ट लग रहा है कि मुझे हर महीने का 250 या 300 रुपये का जो नॉर्मल कैची सीजर खरीदती थी उसमें उससे छुटकारा मिल गया। देन अब मैं आपको ब्रशेस का सेट भी बताऊंगी, तो ये तो वैसे लॉरियल प्रोफेशनल का है, लेकिन लॉरियल का ब्रशेस नहीं है, इसके अंदर आइकॉनिक है, मतलब ये इसी टाइप से आता है। तो आप देख सकते हैं ये सारे ब्रशेस मेरे आइकॉनिक के हैं और मुझे बहुत अच्छे लगे। इसके अंदर सारे टेलकॉम, अभी मैंने इसमें 2-3 टाइम 2 टेलकॉम्स निकाल लिया है,
जिनको मैं अभी यूज कर रही हूँ, दो और एक हेयर कट का कॉम है। अब ये नहीं बोलूंगी कि आप कोई सा भी कॉम यूज करो, कोई सा भी कॉम यूज करो, बस आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आप का जो कॉम है ऐसा बैंड नहीं हो। मतलब ये देखो मैंने कितना मूव कर रही हूँ, देन ये बैंड नहीं हो रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल स्ट्रेट रहे। बिकॉज आप जब हेयर कट कर रहे हैं तो आपका जो कॉम है अगर वही तिरछा चला जाएगा या मूवमेंट हो जाएगा, मूव हो जाएगा, तो आप प्रॉपर हेयर कट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप हेयर कट कर रहे हो तो ये ध्यान रखें कि आपका जो बाल है बिल्कुल, ये कॉम बिल्कुल भी मूव ना करे, एकदम स्ट्रेट है। ठीक है, ये मेरी छोटी सी वीडियो। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज, अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है ना, तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, मुझे 1000 सब्सक्राइब होने में थोड़ा सा ही चाहिए। तो प्लीज अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे जल्दी जल्दी, एंड 1000 हो जाएगा तो मेरा चैनल भी मोनेटाइजिंग हो जाएगा। तो प्लीज देन डू सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।